कर? देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है, आपटे की औलाद कौन है, मदन लाल पाहवा की औलाद कौन है? अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है, लेकिन मेरे सबसे निवेदन है कोई भी कानून को हाथ में न ले। महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहे हैं कि आप रोको इन चीजों को, महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। आपकी सरकारें 30,000 लोग कैसे निकल कर आ गए, और ये कौन सी जबान है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है, आपटे की औलाद कौन है, मदन लाल पाहवा की औलाद कौन है?